जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग जो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट को बढ़ाते हुए जो है टेस्ट नंबर 36 को डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है कुल 100 प्रश्न दिए गए हैं लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ, और इसमें जो है क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा इसमें दिया गया है। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप इससे पहले का क्वेश्चन यानी सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस सेट को जरूर लगाएँ। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मुवेंदार का अर्थ क्या होता है? तो संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द में जो है मुवेंदार का अर्थ जो होता है आपका तीन मुखिया होता है। क्या होता है? तीन मुखिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से केवल रबी की फसलें हैं? तो रबी की फसलें के बारे में बताया गया है, तो जौ और चना जो है यह रबी की फसलें हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है अन्य जो है यह रबी की फसलें नहीं हैं। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो ज्योतिबा फुले ने जो 1873 में जो है गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? तो यह आपका लिखा था ऑप्शन नंबर सी मराठी भाषा में लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मराठी भाषा में। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से किसकी एक घटना से सिंचन के इस कथन का संबंध है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1909-22 में जो है इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या का सबसे घनत्व आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार जो है केंद्रशासित प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे देखा जाए राज्य में तो सबसे जनसंख्या घनत्व जो है बिहार में है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका जाना जाता है अवध को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवध को जो है नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी के नाम से जाना जाता है। भारत और निम्न में से कौन मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है? तो भारत और निम्न में से कौन से मुक्त व्यापार समझौते पर बात कर रहा है? तो यह बात कर रहा है आपका रूस, यूनाइटेड किंगडम, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, यानी कि इनमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि थाइमस हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो थाइमस हार्मोन का कार्य जो होता है आपका वृद्धि में लैंगिक परिपक्वता में, लिम्फोसाइट के निर्माण में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा मुकुलन यानी कि बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो बडिंग द्वारा प्रजनन जो है एनलिडा नहीं करता, जबकि ईस्ट, हाइड्रा और स्पंज जो है ये बडिंग द्वारा प्रजनन करता है जबकि एनलिडा नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है या किससे बना होता है? तो कोशिका का जो है जीवित अंश द्रव कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है या किससे बना होता है? तो यह आपका बना होता है कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जो एक मछली है? तो आपका इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा सी, डॉग फिश। डॉग फिश जो है मछली है, जबकि सिल्वर फिश, स्टार फिश, कैटल फिश ये मछली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयोग को किसके आग्रह पर वरीयता क्रम में स्थान दिया गया था? तो मुख्य निर्वाचन आयोग को जो किसके आग्रह पर वरीयता क्रम में स्थान दिया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री शेषन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव जो है यह आपका होता है कहाँ से? तो कार्पस ल्यूटियस द्वारा। ऑप्शन में जो है ये इसका राइट आंसर है, कार्पस ल्यूटियस द्वारा जो है रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। स्ट्रीट लैंप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो स्ट्रीट लैंप में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 15 का जो हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि विदेशिया जो है ये आपका लोक नृत्य है जो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है, जबकि डांडिया
रास गरबा बिछोड़ो जो है यह गुजरात से संबंधित है, जबकि विदेशिया जो है बिहार से संबंधित है। हाली पत्ति संबंधित है किससे? तो हाली पत्ति किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है ऑप्शन नंबर ए बंधुआ मजदूरों से। हाली पत्ति जो है बंधुआ मजदूरों से संबंधित है। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किसने की? हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में कहाँ किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था आपका कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1817 में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किससे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहा गया? तो मध्यकालीन काल का जो है मध्यकालीन में जो है मध्यकालीन भारत में जो कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान किसको कहा गया? तो यह कहा गया था आपका फिरोज शाह तुगलक को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध हुआ था? तो 1924 का जो बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध हुआ था? तो यह आपका हुआ था ऑप्शन नंबर ए मंदिरों के भ्रष्टाचार के। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में कौन था? तो जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री इनका विभाग था। यह गलत है, जॉन मथाई का जो विभाग मिला था रेल परिवहन मंत्री मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है। जॉन मथाई का जो मंत्री था रेल परिवहन, जबकि डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का शिक्षा मंत्री थे, CH भाभा जो थे वाणिज्य मंत्री, और रफी अहमद किदवई जो थे संचार मंत्री। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन मथाई रेल मंत्री थे। भारत में दुनिया का पहला बांस बैरियर किस राज्य में लगाया गया? तो भारत का जो दूसरा पहला भारत में दुनिया का पहला बांस बैरियर यह लगाया गया कहाँ पे? तो यह आपका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में लगाया गया है। महाराष्ट्र में जो है दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया गया है। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में जो यह आपका नियुक्त किया गया है रसिम शुक्ला को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रसिम शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन जो है यह आपका किया गया था कब? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य में 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई, निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो उस समिति के सभापति बनाए गए थे कौन? तो मिस्टर डिग्बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलिकोटा के युद्ध जो है कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। इसमें विजय का नेतृत्व किसने किया था? तो तलिकोटा के युद्ध में विजयनगर से नेतृत्व किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राम राय के द्वारा किया गया था। तलिकोटा के युद्ध 1565 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? तो भारतीय राष्ट्रवाद जो है यह ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन कहने वाले व्यक्ति थे आर कोपलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद होता है? तो चुनाव के संबंध में किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना पड़ता है? तो मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ही मतदान शुरू होने वाला होता है उससे 48 घंटे पहले जो चुनाव प्रचार बंद किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस यानी गांधीयन एरा पुस्तक का लेखक कौन है? तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पी ज्योतिमणि। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा पी ज्योतिमणि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है, जबकि पीट कोयला जो है यह सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला है। लिग्नाइट जो है यह आपका इसे भूरा कोयला भी कहते हैं, और भारत में सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए तो बिटुमिनस कोयला प्राप्त है, बिटुमिनस कोयला जो है उपलब्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, G20 डायलॉग फोरम में तहत G20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो G20 डायलॉग फोरम के तहत जो है G20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कोहिमा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कोहिमा का जो है यह नागालैंड की राजधानी है। नालंदा महाविहार की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था?
तो नालंदा महाविहार की स्थापना जो है यह करने वाले थे कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदानें मिली हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य में जो है हाल ही में 3 जिलों में सोने की खदानें मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। तो द इंडियन स्ट्रगल इस पुस्तक दिया गया और इसके रचयिता कौन है। तो द इंडियन स्ट्रगल का रचयिता कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, यानी कि 4। इंडिया इन ट्रांजिस्टेशन इसके लेखक कौन है, तो एम एन राव हो जाएंगे। और वेक अप इंडिया के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता आपके हो जाएंगे एनी बेसेंट। और ट्रांसफार्मर ऑफ पावर इंडिया के रचयिता कौन है, इसके रचयिता होंगे बीपी मेनन। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 4-2-3-1 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाली योजना का संबंध किससे है, तो हरियाली योजना का संबंध है यह आपका किससे, तो जल प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल प्रबंधन से जो है यह हरियाली योजना संबंधित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, चलिए विचार करते हैं। भी आकार की घाटी का निर्माण नदियों अपने युवा अवस्था में करता है, तो ये बिल्कुल सही है। भी आकार की घाटी का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों के लंबवत अपरदन के फलस्वरूप होता है, ये भी सही है। गार्ज तथा कैनियन भी आकार की घाटी है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ बताया गया है कि उपयुक्त कथन में से सत्य कौन है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1-2-3 सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठंडे देशों में हिमांक को कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में क्या मिलाया जाता है, तो ठंडे देशों में हिमांक को कम करने के लिए जो कार के रेडिएटर में जो क्या मिलाते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है एथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज 3077 एक प्रजाति किसका, तो राज 3077 जो है यह एक गेहूँ की प्रजाति है, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पायरीडॉक्सिन को सामान्यतः क्या कहा जाता है, तो पायरीडॉक्सिन को सामान्यतः देखा जाए तो विटामिन बी सिक्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 दिवसीय उत्सव मोनलम चेनमो किस स्थान पर शुरू हुआ, तो 5 दिवसीय उत्सव मोनलम चेनमो जो है यह आपका शुरू किया गया कहाँ पे, तो आपका इसका राइट आंसर होगा लेह में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वांगला त्यौहार मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो वांगला त्यौहार जो यह आपका मुख्य रूप से जो है गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा गारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन यानी कि ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है, तो एक इसका राइट आंसर कहाँ स्थित है, तो भूमध्य रेखा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्राकृतिक अम्लीय है, तो किस पदार्थ की प्राकृतिक अम्लीय है, तो क्रोमियम ऑक्साइड की प्राकृतिक जो है यह अम्लीय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है, तो मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क हाइपोक्सिया के कारण जो है मस्तिष्क में जो कम ऑक्सीजन की आपूर्ति होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि होती है, तो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि कैसे होती है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्यामितीय क्रम में होती है। औद्योलिखित में किस पदार्थ में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, तो हाइड्रोजन बंधन किस में पाया जाता है, तो HF यानी कि HF में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला, तो 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह दिया गया आपको शिप्रा दास को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो शिप्रा दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनल मानसी एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो डैश विशेष योग्यता किस में रखती है, तो सोनल मानसी एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो विशेष योग्यता जो रखती है भरतनाट्यम और ओडिसी में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाजीत लीग की स्थापना कब हुआ था, तो नाजीत लीग की स्थापना जो है आपका हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1922 में, यह हिटलर ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अग्निमिशन दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जो है यह किस हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर
इसका राइट आंसर 4 मई को। जवाहरलाल नेहरू ने जो निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दिया था, तो गुलामी की दास्ता की संज्ञा जो है ये किसके दिया था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है, तो बंद अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें न तो आयात होता है और न ही निर्यात होता है, दोनों आयात निर्यात क्या होता बंद होता है, इसी को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन होता है, तो पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है किस पर, तो भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन किया जाता है समष्टि स्तर पर। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में किसको पता लगाने के लिए किया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरित धारा को पता करने के लिए। मल्टीलेटरल जो है कोरबा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो मल्टीलेटरल कोरबा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन जो है यह आपका किया जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में महासचिव जिनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुआ था वह कौन थे, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डैग हेमरसोल्ड को जो है 1961 में मृत्यु हुआ था जो हवाई दुर्घटना में हुआ था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस देश की कैबिनेट ने 29 मार्च 2023 को शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के फैसले को मंजूरी दिया है, तो यह मंजूरी देने वाला देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब देश के जो है कैबिनेट ने जो है 29 मार्च 2023 को जो शंघाई सहयोग संगठन की शामिल होने में फैसले को मंजूरी दिया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंप दे गुंज कौन था, तो ओलंप दे गुंज जो था यह आपका क्रांतिकारी महिला थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पीडीएफ का लघु रूप क्या होता है, तो पीडीएफ को फुल फॉर्म मैंने पूछा गया है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू किया है, तो पहली बार एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला राज्य हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाला झील किस राज्य में है, तो पाला झील जो है यह आपका मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर मिजोरम में। निम्न में से किसका प्रयोग मतदान के स्याही बनाने में करते हैं, तो मतदान के स्याही बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है जो हम लोग मतदान करते हैं उसमें जो हमारे हाथों पर जो स्याही लगाया जाता है उसका प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सिल्वर आयोडाइड जो होता है यह कृत्रिम वर्षा कराने के लिए होता है। रूस में कोल खोज क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो सामूहिक खेती है, कोल खोज जो है यह रूस में सामूहिक खेती है। लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है, तो लॉरियस पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा खेल के लिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो दोस्तों यह बहुत हल्का प्रश्न है, आप लोग जानते हैं तो इसका राइट आंसर बताइए, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वित्त वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है, तो यह बनने वाला देश है आपका UAS। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। UAS जो है यानी कि अमेरिका जो है यह 2023 में निम्नलिखित में से जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है। लाल लिग्गा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो लाल लिग्गा ट्रॉफी जो है यह आपका संबंधित है किस खेल से, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश की किस मेट्रो सेवा ने QR कोड वाले पेपर टिकट की शुरुआत किया है, तो देश की किस मेट्रो सेवा ने QR कोड वाले पेपर के टिकट की शुरुआत किया है, तो यह आपका शुरुआत किया है आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, तो आपका इसका राइट आंसर होगा कम से कम 50 होना चाहिए। पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं,
तो पंपा से मस्टेपी जो है ये किस श्रेणी में आते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो है मध्य अक्षांशीय घास भूमि में आते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद जो है 39A में किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 39A में। सूची एक और सूची दो के यहाँ पे मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। बॉस एस्टेट, तो बॉस एस्टेट जो है यह ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया में स्थित है। बॉस एस्टेट जो जनडम मत ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया देश में है। डेविस एस्टेट, तो डेविस एस्टेट जो है यह आपका कनाडा तथा ग्रीनलैंड में। और डोवर एस्टेट, तो डोवर जो है यह यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। फ्लोरिडा एस्टेट जो है यह USA तथा क्यूबा हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2, 4, 1, 3। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएँ जीवा के किस भाग में होती है, तो खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिकाएँ जो जीवा के किस भाग में होती है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पार्श्व भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2023 में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जारी किया गया, इस पुरस्कार में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो इसमें जो है मध्य प्रदेश राज्य को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब हुआ, तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन जो है 1961 में किया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण जो है यह चिपक जाते हैं। जब शेविंग ब्रश में पानी से निकाला जाता है तो बाल जो है उसमें आपस में पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है, तो आदिवासी सहारिया का संबंध जो है यह राजस्थान से है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी समान विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध होता है तो उसका समाधान कौन करेगा, तो उसका समाधान जो है करेगा का, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद का संयुक्त सत्र करेगा। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका स्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है, तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो है भारत के जो है रायपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रायपुर जो है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, तो 2020-21 के अनुसार जो है यह लौह अयस्क के लिए जो है उत्पादक है तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 1 और 2 यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान है, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है यह आपका जो है पृथ्वी का अक्षांश पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है, तो पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा जो है यह आपका जो है बांग्लादेश में बहता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर बांग्लादेश में। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए जो आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र में। यहाँ पे सम्मिलित करना, चलिए मिलान करते हैं। दिया गया है कि राज्य दिया गया और विधान परिषद की संख्या दिया गया है, तो तेलंगाना में जो है आपका 40 विधान परिषद की सदस्य संख्या है। बिहार में 75 विधान परिषद की संख्या है। कर्नाटक में 75 विधान परिषद की संख्या है। महाराष्ट्र में 78 है। उत्तर प्रदेश में 99 है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन नंबर ए। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को यह उक्ति किस इतिहासकार ने दिया था, तो यह उक्ति इतिहासकार दिया था जद्दुनाथ सरकार के युक्ति है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया था, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद किया था, यह जद्दुनाथ सरकार की युक्ति है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, चलिए सुमेलित करते हैं। तो केंद्र सूची के अंतर्गत कौन आता है, तो केंद्र सूची के अंतर्गत जो है यह जनगणना आता है, केंद्र सूची के अंतर्गत जनगणना आ जाएगा।
और जो है राज सूची के अंदर कौन सा आ जाएगा, तो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। और शीर्ष सूची के अंदर कौन सा आ जाएगा, तो अवशीर्ष सूची के अंतर्गत आपका आ जाएगा अंतरिक्ष। और समर्थित सूची के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3124, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3124। मराठों के किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया, तो मराठों के किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया था, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा होलकर ने, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है, तो जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण होता है आवासीय विनाश, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने किसको जो है साहिबात उस जमाने की उपाधि प्रदान किया था, तो औरंगजेब ने किसको जो साहिबात उस जमाने की उपाधि प्रदान किया था, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा जहां आरा को, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, जहां आरा को प्रदान किया था। अप्रैल 2023 में बार्सिलोना ओपन 2023 का खिताब किसने जीता, तो अप्रैल 2023 में जो है बार्सिलोना ओपन 2023 का खिताब जो है जीतने वाले हैं कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट की फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन या प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो इंटरनेट में फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए FTAP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत से दक्षिण की ओर देशों के बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ, तो भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीनयान प्रचलित हुआ था। यहाँ से दोस्तों मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया, तो चलिए 94 का आपका राइट आंसर होगा 135 हो जाएगा 4, 95 का आपका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा 9 सेकेंड, 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 97 का आपका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, 98 का आपका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा, और 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, और 100 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपका 36 सेट नंबर जो है समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। हमारे चैनल पर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।